हेलो नमस्कार सभी को. थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा वेलकम देने के लिए यहाँ पे. मैं मिस्टर बंटी, मिस्टर अश्विन और मिस्टर संतोष का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस शाम में मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और शाइन क्लब शाइन एक्स की लॉन्च के लिए यहाँ पे बुलाया है. क्लब के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ. आई थिंक रिसेंटली हमने ये बहुत सुना था कि so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो ये क्लब को भी देख के बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है. बहुत ही अच्छा क्लब है, बहुत ही खूबसूरत डेकोर और खाने के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं. बहुत ही डिलिशियस खाना है और मैं एक्चुअली काफी आश्चर्य में हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भुवनेश्वर का भी यू नो नाइट लाइफ इतना रॉकिंग है. एंड क्लब शाइन एक्स के साथ तो आई एम श्योर ये अभी नेक्स्ट लेवल ही पहुंच जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द ओनर्स एंड आई थिंक क्लब शाइन एक्स इज एन आइडियल प्लेस फॉर एवरीबॉडी टू गो एंड अनवाइंड. थैंक यू. जरीन मैम नमस्ते. मायसेल्फ प्रसीडा. कैसा लग रहा है उड़ीसा का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने वही बताया कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम दिया मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है उड़ीसा में. मैं पहले भी आ चुकी हूँ काफी. सी इनको याद है तो हाँ. बट somehow ट्रिप्स हमेशा इतने छोटे होते हैं कि उड़ीसा देखने का ही मौका नहीं मिलता है. बट इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू बी हियर. मैम यहाँ का खाना कैसा लग रहा है? खाना तो अभी तक मैंने जो है वो शाइन एक्स का ही खाया है. उड़ीसा की जो स्पेशलिटी है वो मुझे खाना बाकी है. तो आप लोग सजेस्ट करो कि मुझे क्या खाना चाहिए तो मैं जरूर रात में. दही बड़ा, दही बड़ा. दही बड़ा भी रात में मिल जाएगा मुझे? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है तो फिर रात का डिनर दही बड़ा करेंगे. कितने लोग हैं? मैम एक क्वेश्चन, फ्लाइट में क्या हुआ था? आप एक स्टोरी दिए थे इंस्टाग्राम पे आते वक्त फ्लाइट पे. अच्छा अभी वो आई थिंक बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं. ये पार्टिकुलर एयरलाइन जिनसे मैं ट्रैवल कर रही थी तो उनकी फ्लाइट्स रिसेंटली काफी डिले हो जाती है. एंड रीजन पता नहीं है क्या है और मुश्किल आ जाती है क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे पहुंचना था एक सर्टेन टाइम पे. फ्लाइट 2 घंटा लेट होने के बावजूद मैं यहाँ पे लेट हो गई, इवेंट लेट हो गया और यू नो मुझे अपने काम के वहां पे लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट ये एक ऐसी चीज है जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. तो आई थिंक द एयरलाइन पीपल नीड टू बी अवेयर कि भाई लोगों के बहुत यू नो लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है. हर एक इंसान का टाइम वैल्यूएबल है. यू नो वो बड़ा काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, लेकिन आई थिंक जो सबका टाइम है वो वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैडम मेरे पास है उड़ीसा के सुपरस्टार प्रोड्यूसर मिस्टर रमेश भैया. फिल्म में आप आए बिल्कुल, वो उनको बोलो मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर करे तो हम आ जाएंगे उड़िया पिक्चर में. आप बहुत बड़ा अच्छा ब्लॉगिंग करती है अपनी माँ के साथ, उसके बारे में कुछ बोलिए. वेल उसके बारे में मैं क्या बोलूँ. ये जो मेरी जर्नी थी ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल जो भी बोल सकते हैं उसकी जर्नी कोविड में शुरू हुई थी. इस बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं उन्होंने मुझे बहुत पहले से सलाह दी थी कि यू नो मुझे ये करना चाहिए. बट somehow हम अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं स्पेशली हमारा जिस तरीके का काम होता है. बट कोविड में सबके पास बहुत टाइम था और मैंने सोचा कि आई थिंक ये बेस्ट तरीका है अपने फैन से कनेक्टेड रहने का. उन्होंने जरीन खान दी एक्ट्रेस तो देखा है बट जरीन खान जिस तरीके की इंसान है उसकी लाइफ में उनको एक पीकबू या स्नीक पीक दे सके और आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के साथ वही करने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स. मैडम नमस्ते. नमस्ते. आपकी जो फिल्म जो हिंदी फिल्म बहुत दिन हो गया आया नहीं जी. तो क्या कहेंगे और एक बार आपकी जो लुक है वो कैटरीना कैफ से मिलती है अभी भी नहीं? अभी आप सच्चे हो ना? अभी भी मिलती है? आप क्या बोलते हो? अच्छा डिफरेंट है तो अच्छा डिफरेंट है बुरा डिफरेंट है? तो बुरा है. फिल्म के बारे में ये
हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी की तबीयत पिछले 2-2.5 साल से काफी खराब चल रही है. जब से कोविड हिट हुआ तब से मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब चल रही थी. इनफैक्ट अभी भी वो पूरी तरीके से तबीयत उनकी ठीक नहीं है. तो मेरा सारा फोकस मम्मी की तबीयत और उनको ठीक करने के पीछे लग गया था और मेरा काम ने थोड़ा सा बैकसीट ले लिया था. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माय मदर इज गेटिंग बेटर एंड इसलिए मैंने अपना काम फिर से शुरू किया. तो बहुत जल्दी आप मुझे स्क्रीन पे भी देख लेंगे. सलमान खान सुपरस्टार है, उनके साथ काम करने में तो आई एम श्योर सभी को अच्छा लग रहा होगा. तो मुझे थोड़ी ना कोई डिफरेंट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. ज़रीन, वन लास्ट क्वेश्चन वी हैव, प्लीज. हेलो मैम, दिस इज आदर्श. I have a question from last 3 months. You don't upload any video on YouTube. Yes. Any reason particularly? No, there's no particular reason. As I said, you know, I've gotten a little busy right now. Like almost all my focus is towards my mother's health. तो अभी इतना फ्रीक्वेंटली मुझे वक्त नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का या चीजें करने का. बट आई नो मेरे फैंस मुझे बहुत मिस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब पे जो वो कनेक्ट है मेरे साथ उनका, वो आई डोंट थिंक किसी और पोर्टल पे है. तो आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल बी एक्टिव अगेन वेज. लास्ट क्वेश्चन, एनी प्लान्स फॉर ओटीटी? ऑफ कोर्स, ओटीटी जो है वो उधर इतना अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है अभी. And I am looking for a good content that is going to help me show my potential. क्योंकि खूबसूरती तो सबने देख ली है, अभी थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाते हैं. तो जब उस तरीके का स्क्रिप्ट या कॉन्सेप्ट मिलेगा, I will definitely do it. Thank you.